उदयपुर में कन्हैया लाल को दर्दनाक मौत देने वाला रियाज अटारी का बीजेपी के साथ क्या कनेक्शन है? दरअसल एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कन्हैया का हत्यारा रियाज गुलाब चंद कटारिया के साथ एक फोटो में नजर आ रहा है, जो कि राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री है। अब इस मामले पर कांग्रेस समेत बाकी दलों के नेता एक्टिव हो चुके हैं। इसी बीच जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कटारिया को जमकर घेरा, वहीं कटारिया ने भी मामला बढ़ते देख अपनी दलील दी। तो आखिरकार फोटो में कटारिया के साथ हत्यारा रियाज वहां क्या कर रहा था? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब के लिए आपको पूरा मामला जानना होगा। उदयपुर में इस्लाम के अपमान के नाम पर कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने देश और दुनिया को हिला कर रख दिया। इस मामले की जांच राजस्थान एटीएस और एनआईए कर रही है। इसी बीच 2 जुलाई को अचानक एक पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें कन्हैया का हत्यारा रियाज बीजेपी नेताओं के बीच फोटो खिंचवाता नजर आ रहा है। इस पोस्ट के शेयर होने के बाद तो बवाल ही मच गया। बाद में पवन खेड़ा ने रियाज को भाजपा का सक्रिय सदस्य बताया। खेड़ा ने कहा कि मुंह में राष्ट्रवाद बगल में छुरी वाला कहावत इस मामले में चरितार्थ हो रही है। इस मुद्दे पर बिहार के मशहूर नेता और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव का बयान भी आया है। पप्पू यादव ने पहले इस पोस्ट को ट्वीट किया और लिखा, उदयपुर आतंकी घटना अंजाम देने वाला आतंकवादी बीजेपी कार्यकर्ता है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा में था। भाजपा नेता राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का करीबी था। जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में भाजपा का तो हाथ नहीं है। राजस्थान एटीएस इसकी जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करे। हर परिस्थितियों में उदयपुर के जो साजिश करता है उसकी पूरी जांच एटीएस कि भाजपा की क्या साजिश है इस घटना में, कौन कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे, उनकी पूरी टेलीफोन लोकेशन के साथ उसका किस किस से वार्ता हो रही है। मैं बार बार कहता हूं, भाजपा और आरएसएस का इस भारत के 140 करोड़ लोगों से कोई प्रेम नहीं है। वो राष्ट्र विरोधी है, वो इंसान विरोधी है, वो इंसानियत के दुश्मन है। सियासत और सत्ता के लिए अपनी जिंदगी का कोई कुकर्म वो करेगा, पूरी इंडिया पूरा भारत को नष्ट नाबूद करना होगा तो ये लोग करेंगे, और ये इसके हिस्सेदार है। मैं सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा इन की जांच खुद सर्वोच्च न्यायालय के जज के माध्यम से हो और देश। हालांकि मामला गरमाने के बाद गुलाब चंद कटारिया का भी बयान सामने आया। उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। इस फोटो में अल्पसंख्यक मोर्चे का इशाक चेन वाला कभी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे में कार्यकर्ता के रूप में रहा है, कार्यक्रम में भी रहा हूँ, और इसलिए अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति होना कोई गुनाह नहीं है। मैं उस कार्यक्रम में जरूर गया हूँ। अब उसमें कौन मेरे साथ फोटो में खड़ा हो जाता है, ये न तो मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है। और उसके बाद भी अगर किसी को ये लगता है कि उसके कारण से कोई अपराध हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ भी एक अपराधी मुकदमा दर्ज कराएं, और उसमें अगर कोई कानून मेरे फोटो साथ होने को कानून में गुनाह मानते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़े तो जांच भी करवा ले, उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। बता दें कि सोशल मीडिया पर रियाज और कटारिया की एक तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बकायदा रिसर्च की थी और ऐसे कई तस्वीर और शेयर की, जिसमें रियाज भाजपा नेता कटारिया या दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में नजर आ रहा है। इससे पता चलता है कि रियाज भाजपा के कार्यक्रम में जाता रहता था, और यही आरोप कांग्रेस ने भी लगाए हैं। बहरहाल सभी आरोपों के बीच सच्चाई क्या है, इसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि इतना तो साफ है कि अगर रियाज भाजपा के कार्यक्रम में जाता रहता था जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर रियाज का आतंकी संगठन से कोई भी कनेक्शन है तो क्या पता ये भाजपा के लिए खतरनाक हो।